नमस्कार, मैं उस पहल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। नमस्कार, मैं जेपी यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी लाइव 100 न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। जन सहयोग संस्थान चंदौली ने गरीब बच्चों में वस्त्र, चप्पल व चॉकलेट इत्यादि बांटकर मनाया स्थापना दिवस। जन सहयोग संस्थान ट्रस्ट द्वारा संस्थान का स्थापना दिवस इंडिया मॉल स्थित कार्यालय पर मनाया गया और नेकी की दीवार की शुरुआत गरीब बच्चों से फीता कटवाकर किया गया। गरीब बच्चों में कपड़े व चॉकलेट का वितरण किया गया, जिसमें जरूरतमंद व्यक्ति अपनी जरूरत के कपड़े, जूते व चप्पल निःशुल्क ले जा सकते हैं और जिनके पास अधिक है वो यहाँ दे सकते हैं। साथ ही साथ संस्थान द्वारा लगाए गए जिला चिकित्सालय पंडित कमालपति त्रिपाठी में रक्तदान देने वाले रक्तदाता को संस्था के अध्यक्ष अजीत कुमार सोनी जी द्वारा श्रीनिवास सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया कि संस्थान द्वारा और लोगों को जोड़ा जाए ताकि संस्थान और तेजी से कार्य कर सके। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष अजीत कुमार सोनी, सचिव प्रियंका गुप्ता, कोषाध्यक्ष हिमांशु वर्मा, सदस्य अंकित सिंह, संदीप सिंह, आशीर्वाद कुमार, अफजल अहमद, मुन्ना सिंह, संसाद अंसारी, आलोक सिंह, दीपक मौर्य, नीरज कुमार उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत कुमार की रिपोर्ट। टिल्लू भागी